हम जिस द्वीप में रह रहे हैं वो अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है और कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। जश्न में तुम्हारा स्वागत है। बहुत बनकर जाओ और उसके ऊपर चढ़कर उसके खून से भरी खोपड़ियां आदि मिले आओ। दस बूंदे गिरने से पहले कंगुआ को आना होगा। बुलाओ की बेटे, तुम्हारा रक्त हमारा रक्त अलग है क्या? तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सूर्य और बॉबी देओल सर की फिल्म कंगुआ की वो पांच टॉप सीक्रेट्स जिनके बारे में जानने के लिए थिएटर जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाले सूर्य और बॉबी देओल सर की फिल्म कंगुआ इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसमें बॉबी देओल और सूर्या पूरी तरीके से अलग लुक में नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हो रही है। आइए इसकी कुछ टॉप सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कंगुआ तमिल सुपरस्टार सूर्या की पहली पैन इंडिया फिल्म है और इससे पहले सूर्या के तमिल फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर कई रीमेक फिल्में बॉलीवुड में बनाई गई हैं। या दोस्तों रोहित शेट्टी के सिंघम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भले ही रोहित शेट्टी ने सिंघम 2 और सिंघम 3 ओरिजिनल कहानी के साथ बनाई है, 13 साल पहले रिलीज हुई अजय देवगन की सिंघम सूर्या फिल्म से इंस्पायर्ड थी और अब भाई सूर्या खुद पैन इंडिया फिल्म के साथ ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार है। या दोस्तों 14 नवंबर को रिलीज होने वाली उनकी फिल्म कंगुआ तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषा में रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर और दो गाने भी यूट्यूब पर रिलीज किए जा चुके हैं और आज हम सूर्या और बॉबी देओल सर की इस फिल्म के वो पांच टॉप सीक्रेट आपको बताने वाले हैं जो आपको फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों पहली सीक्रेट है बॉबी देओल सर का मॉडर्न लुक, यानी कि दोस्तों कंगुआ फिल्म दो टाइमलाइन में बनाई गई है। इस फिल्म में हमें 1000 साल पुरानी कहानी के साथ एक मॉडर्न कहानी भी देखने को मिलने वाली है। जैसे कि कंगुआ के ट्रेलर में हमने बॉबी देओल का खूंखार लुक देखा है, लेकिन जानबूझकर उनका मॉडर्न लुक नहीं दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है कि दो अलग टाइमलाइन की कहानी दिखाई जाएगी, जिसके कारण बॉबी देओल सर का मॉडर्न लुक नहीं दिखाया गया, ताकि इस मूवी के अंदर ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ती रहे इस बात को जानने के लिए। वही बात इस मूवी के दूसरे सीक्रेट की, तो दूसरा सीक्रेट है दिशा पट्टानी का दूसरा लुक। जी हां दोस्तों कंगुआ के ट्रेलर में दिशा पट्टानी को देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में कहीं पर भी दिशा की झलक देखने को नहीं मिली। पर फिल्म के बाद रिलीज किए गए डीएसपी के गाने योलो में हम सूर्या के साथ दिशा को जरूर देख सकते हैं। यहाँ भी फिल्म के मेकर्स ने बड़ी ही चालाकी से दिशा का पहली टाइमलाइन का लुक सबसे सीक्रेट रखा है। बात करें तीसरे सीक्रेट की, तो यो जिसमें आपको इमोशनल एलिमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। जी दोस्तों कंगुआ का ट्रेलर देख के यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म भी प्रभास की कल्कि और सल्लार जैसी एक्शन फिल्म होगी, जिसमें वीडियो गेम की तरह सिर्फ फाइट और वायलेंस ही नजर आने वाला है। लेकिन असल में ये एक इमोशनल कहानी होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर बनाते हुए बड़ी ही चालाकी से मेकर्स ने इस इमोशंस को इस वीडियो से दूर रखा है, ताकि ऑडियंस को थिएटर्स में एक नया सरप्राइज मिल सके और पब्लिक इस मूवी को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहे। वही दोस्तों इस मूवी में चौथे सीक्रेट है कुछ नए कलाकारों की एंट्रीज। या फ्रेंड्स कंगुआ के ट्रेलर में बॉबी देओल और सूर्या पूरी तरह से छा गए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो तमिल इंडस्ट्री के कुछ मशहूर चेहरे फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। और वह इस मूवी के लास्ट एंड पांचवे सीक्रेट जो कि है आग, पानी और जंगल का सीन, जो कि आपने इसके ट्रेलर में देखा होगा। या फ्रेंड्स कई फिल्में कहानी न होने के बावजूद सिर्फ एक्शन और स्टार्स की वजह से हिट हो जाती हैं, लेकिन कंगुआ में कहानी पर पूरा ध्यान दिया गया। दरअसल कंगुआ का मतलब आग होता है और इस फिल्म में हम सूर्या को आग, पानी और जंगल जैसे तीनों जगह पर लड़ते हुए देख सकते हैं और इसको भी मेकर्स ने राज रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन सभी सीक्रेट की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो पाती या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।